अरे भाई, किसी की जान बचाने के लिए जो तरीके संसाधन हो सकते हैं सठे साठ्यम समाचरे, वो कानून को करना चाहिए। कानून व्यवस्था को अगर नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे। किसी बाबा साहब अंबेडकर ने तो जिक्र नहीं किया है इसका, बुलडोजर का। तो ये तो असंवैधानिक गतिविधि है, गतिविधि है। जिस हिसाब से न्याय और शांति स्थापित हो सके समाज में, उस हिसाब से शासकों को, स्वजनों को प्रयत्न करना चाहिए। एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। एके मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता और ओपी सागर साहब, पूर्व आईपीएस, ये दो लोग अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं पहले एके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास, क्योंकि जैसे मैं सपा या भाजपा किसी एक के पास जाऊंगा, बहस बहुत ताप, एकदम ताप बढ़ जाएगा बहस का, तो धीरे धीरे बढ़े। एकदम डॉक्टर कहते ठीक नहीं, बुखार एकदम 105 हो जाए तो ठीक नहीं, फिर तो संकट हो जाता है, धीरे धीरे बढ़े। तो मैं समझना ही चाह रहा हूं कि विधि कोई हो, अपराधी दो मॉडल हैं हमारे सामने देश में। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली दो मॉडल हैं। क्या मैं मायावती के समय में महीने दो महीने में 100-125 केस जो अतीक के खिलाफ दर्ज करा दिए सरकार ने, उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो खैर हाईकोर्ट ने भी क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन 100 तो पक्के मुकदमे, क्या एक में भी सजा नहीं? ऐसी ऐसी स्वनाम धन्य सरकारें आई जिन्होंने केस वापस ले लिए, ऐसे ऐसे स्वनाम धन्य अधिकारी पैदा हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस के, जिन्होंने एफआईआर लगा दी राजनीतिक दबावों में। एक मॉडल ये है कि 100 केस करो, सैकड़ों मारो, लूटो, काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मस्त रहो, चंपी करा घूमो, क्या और ग्रह नक्षत्र अच्छे हो तो सांसद विधायक बनके रौब गांठो। दूसरा है, आपकी टांगे कांपें, आपको भय लगे, आप रोएं, चिल्लाएं और आपको अपनी हैसियत का अंदाज हो जाए। कौन सा मॉडल जनता की दृष्टि से ठीक है मिश्रा जी? दो ही मॉडल है व्यवहार में, बाकी तो सिद्धांत में होंगे, मैं नहीं जानता। हम एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे अमिताभ जी। आप स्वयं मूर्धन विद्वान हैं और हमारे सारे मित्र भी मूर्धन विद्वान हैं। बात केवल आजादी के बात या संविधान की नहीं होगी, हजारों साल का आप इतिहास देख लीजिए। इस देश में जो न्यायप्रिय राजा रहा है, उसके सामने आतताइयों ने, अपराधियों ने हमेशा त्राहिमाम करके ही घुटने टेके हैं, जो कि अभी हो रहा है। और इतिहास में अगर आप ये देखें, आजादी के बाद या सैकड़ों साल के बाद, मैं दो घटनाएं ऐसी देख रहा हूं, जब अमित शाह जी ने संसद में बोला था कि जान की बाजी लगा देंगे पीओके के लिए, और योगी आदित्यनाथ ने बोला कि मिट्टी में मिला देंगे। इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण वचन, दृढ़ संकल्प भारतीय राजाओं में, शासकों में मैं सैकड़ों साल के बाद सुन रहा हूं कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को, आतताइयों को चुनौती दी है कि या तो तुम रहोगे या यहाँ पे कानून का इकबाल रहेगा। तो न्याय तंत्र के लिए, समाज के लिए, भारतीय संस्कृति और इतिहास के लिए जो आपने दूसरा वाला सिद्धांत बोला कि किसी भी विधि से करके अपराधी जो है उनके लिए एक ही चीज है कि वो त्राहिमाम करने लगे, जैसे आज कर रहे हैं। आप उस फोटो को देखिए, ऐसे बम फेंक रहे हैं जैसे फूल बरसा रहे हैं, गोलियां दाग रहे हैं। ये अपराध नहीं है, ये इसको आतंकवाद की श्रेणी में रखना चाहिए। वहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, मार्केट ओपन है। समाज को ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये समाज से बड़े हो गए हैं और सरकार से बड़े हो गए हैं? एक और इंपॉर्टेंट बात अमिताभ जी, आपने बोला कि सैकड़ों केस होते थे, इसके पहले सरकारों में ये होता था कि भैया देखो कौन अपराधी है, किसके ऊपर कितने केस है, जल्दी से उसको अपनी पार्टी में बुला लो, वो उतना ही बड़ा नेता होगा, हमारे लिए वो उतना बड़ा असेट होगा। इस सिद्धांत को चेंज कर दिया है वर्तमान में सरकार, चाहे जिसकी हो। बात योगी की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की नहीं मैं कर रहा हूं, बात मैं उसकी कर रहा हूं कि कोई भी बैठे सत्ता पे, शासन पे, प्रशासन कोई भी चलाए, लेकिन सिद्धांत को चेंज होते हुए मैंने पहली बार देखा है। और मैं स्वागत करता हूं, यही होना चाहिए कि अपराधी हमेशा हाथ जोड़ के त्राहिमाम की मुद्रा में खड़े रहे। ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए, जनता के लिए ही है। ठीक बात है, गुजर गए मिश्रा जी।
अमिताभ जी, आपने सही बोला, जी ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई सेना के जवान या पुलिस वाले, उनको तो हम, एक नेता ने ये बोला है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको तो तनख्वाह दी जाती है मरने के लिए, मरने के लिए तनख्वाह दी जाती है, और वो किसी को अगर पकड़े और कुछ करे तो कुछ वकील, कुछ नेता आके ऐसा आडंबर रचते हैं। आपने तो कम बताया कि जा करके उन्होंने जज साहब से बोला कि ये भले आदमी है, इनका बस चले, और कई ऐसे केसेस में तो पुरस्कार भी इनको दिया। अरे भाई, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी को पकड़ा जाए और जेल से बुला के उसको पद्म भूषण दिया जाए। अगर इन लोगों की सरकारें रहती तो ये यहां तक कर देती। ये एक बहुत बड़ा आवरण देखिए, जैसे ये बोल रहे हैं कि जी फलाने वो है राजा भैया है तो उनको क्यों नहीं। अरे इन बेवकूफों को समझाइए, शहर में कर्फ्यू लगा है और तुम दंदनाते हुए, गोली चलाते हुए सड़क पे निकलोगे तो पुलिस जिसको देखेगी पहले उसको मारेगी, कि तुम वहां बोलोगे नहीं मुझे क्यों मार रहे हो, पहले जो वो अंदर सोया है उसको अगर पकड़ के होता तो मारो। कोई हिम्मत कर जो पाता सामने आ कि जाकर रहा के है, मैप की शूटिंग पहला करने अटैक लगे, ये उसी, इनका पहला संयोग है। न्यूट्रलाइजेशन उसी का होता है, एक्ट पर नेटवर्क लॉ, कैसे फेल एक्ट है? पर उत्तर लॉ, जो प्रदेश सामने सरकार आपको कानून ये के कहा जा मामले के में, बोलते लॉ एंड हैं ऑर्डर के मामले में फेलियर सरकार है। ये पहले ने उनको भ्रष्टाचार बोल कानून दिया लगा दो किसके लिए, कानून के उसके बाद हिसाब से बुलडोजर आपको चला के जमानत सस्ती है, आप आराम से कर रहिए, दी है। परेशान मत अगर होइए, इसका और अपने प्रोसेस टाइम होता तो ये से दहशत आगे कायम होता, कोई इस तरीके से परेशान। फिल्मी शूटिंग अरे नहीं हो एक रही होती। एक ये बोल और जिन कि लोगों ने जो किया था वो आजादी कहाँ भाषण है? बोल रहा है उसको मत आज पकड़ो, तक सरकार जाके क्या उनको अटकी हुई पकड़ो है? जो शांत होके बैठे हैं कानूनी दायरे में, अपने निर्णय इतना की बड़ा इच्छा कांड कर हो रहे गया, हैं कानून इनको के पास जानकारी से। नहीं है अरे कपीर जी, इनका एक मिनट, एक मिनट, एक मिश्रा जी, एक मिनट, कपीश भाई के पास चलते हैं। मिश्रा जी एक मिनट रुके, एक साहब, एक घटना वो एक मिश्रा जी जवाहर बाग में घटी थी। हमारे पुलिस के कई अच्छे अधिकारी और कई जवान शहीद हो गए मथुरा में जवाहर बाग में। हैं, जी, उनकी शहादत हमारे ऊपर कर्ज है, अगर ऐसे लोग सरवाइव करते हैं तो। नहीं देखिए अमिताभ जी, यहाँ पे अपने देश में जो आईपीसी सीआरपीसी है, जो अभी हमारे पुलिस के अधिकारी हैं बता रहे थे, हमारी कानून व्यवस्था, सरकार शासन इतनी लाचार है कि एक अपराधी बड़े मजे से इस देश में किसी की जान ले सकता है, लेकिन बुलडोजर नहीं चलना चाहिए जी। यहाँ पे नेता वकील ये बोलेंगे कि नहीं जी, इसका तो बाबा साहब अंबेडकर ने कोई प्राविधान नहीं रखा है संविधान में, तो ये गलत है। अरे भाई, किसी की जान बचाने के लिए जो तरीके संसाधन हो सकते हैं, सठे साठ्यम समाचरे, वो कानून को करना चाहिए। एक पुलिस वाले को जी तुम बंदूक तो रखे रहो लेकिन गोली चलाना मत, उधर से चाहे एलएमजी चलती रहे, और अपेक्षा क्या होगी कि तुम अपने शर्ट की बटन खोल देना और वो ढाल की तरह तुम्हारा सीना है, तुम गोली खा लो क्योंकि तुम्हें तो तनख्वाह मिलती है। अगर पुलिस वाले को भी उतनी ही छूट नहीं देंगे जितना शातिर अपराधी जिस हिसाब से निरंकुश होते हैं, कानून ठीक बात, व्यवस्था को अगर नहीं ठीक। देंगे, इसका विरोध करेंगे कि जी बाबा साहब अंबेडकर ने तो जिक्र नहीं किया है इसका, बुलडोजर का, तो ये तो असंवैधानिक गतिविधि है, गतिविधि है। जिस हिसाब से न्याय और शांति स्थापित हो सके ठीक समाज है में, जी, उस हिसाब से शासकों को, स्वजनों को प्रयत्न करना अरे चाहिए। कानून अरे निर्माण